हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इसका यूज होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन वह शब्द है, कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऑफ सेम नेचर। एक ही स्वभाव के दो वर्ड्स को, दो फ्रेसेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द कंजक्शन कहलाता है। जैसे मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, या मोहन एंड सोहन वेंट टू स्कूल। ही वर्क्ड हार्ड सो ही पास्ड। आई सॉ him in school as well as in market. He is the boy who stood first in the class. ये देखिए, हम चार सेंटेंस लिखे हैं। मोहन एंड सोहन, ये देखिए दो नाउंस को एंड से जोड़ा गया है। ये एंड यहां पर कंजक्शन है। यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है सो कंजक्शन से। एक सेंटेंस ही वर्ड हार्ड ही पास्ट, इसको सो कंजक्शन से जोड़ा गया है। सो से जोड़ा गया सो कंजक्शन है। यहां पर आई सॉ हिम इन स्कूल एज वेल एज इन मार्केट, ये दो फ्रेसेस है, इन स्कूल और इन मार्केट दो फ्रेसेस है। इन दो फ्रेसेस को एज वेल एज कंजक्शन से जोड़ा गया है। एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, एड से जोड़ सकते हैं। तो ये दो फ्रेसेस को जोड़ा गया है एज वेल एज से। ही इज द बॉय, ये एक क्लाउज है, और दूसरा क्लाउज ये है यहां पर हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहां पर इसको कंजक्शन हु से जोड़ा गया है। तो हमने देखा चार अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन चारों में हमने अलग अलग कंजक्शन से जोड़ा गया है, इनको जोड़ा है सेंटेंसेस को, और ये अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं। यहां पर दो नाउंस को जोड़ा गया है, यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, दो फ्रेसेस को जोड़ा गया और दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है। इस तरह से जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेसेस को जोड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन या कनेक्टर कहते हैं। देखिए, इसके लिए हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा कि कनेक्टर या कंजक्शन तभी होता है जब वो दो शब्दों, दो फ्रेसेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को जोड़ेगा। देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, आई रीड
होम बिफोर सनसेट। I had reached this school before the bell rang। देखिए यहां पर हमने एक शब्द बिफोर का प्रयोग किया है, बिफोर यहां पर बिफोर का प्रयोग है, यहां पर बिफोर का प्रयोग है, यहां पर बिफोर का प्रयोग है। यहां पर बिफोर शब्द किसको व्यक्त कर रहा है? वर्ब को। मैंने देख लिया था मैं देख चुका हूं क्या यह फिल्म कब? पहले। ये बिफोर शब्द वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए होगा एडवर्ब। यहां पर बिफोर शब्द सनसेट को मॉडिफाई कर की विशेषता बता रहा है, यानी बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, तो ये स्थिति को बता रहा है, तो ये होगी प्रीपोजिशन। और यहां पर बिफोर किसको जोड़ रहा है? बिफोर जोड़ रहा है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई हैड रीच्ड दिस स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था या मैं पहुंच गया था बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले। यहां पर दो वाक्यों को जोड़ा, यहां पर है ये कंजक्शन। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि कंजक्शन तभी होता है, कोई शब्द कंजक्शन तभी होता है जब वो या तो दो वर्ड्स को जोड़े, या दो फ्रेसेस को जोड़े, या दो क्लॉजेस को जोड़े, या दो सेंटेंसेस को जोड़े। अब कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कंजक्शंस दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो पद में समान हो, समान पदीय उपवाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये वो कंजक्शन है जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक प्रिंसिपल होता क्लॉज होता है और उसके साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगले वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का हम प्रयोग करते हैं। वॉइस, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और जितने भी मेरे और वीडियोस हैं उनको भी देखिए। जितना आप अधिक देखेंगे, जितना आप मुझे एनकरेज करेंगे, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको पोस्ट